भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम भारतीयों को इस बात का गर्व भी है कि हमारा देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। लोकतंत्र हमारी रगों में है, हमारी संस्कृति में है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किए गए एक प्रयास के बारे में भी पता चला है। कोविड के दौरान ही लखीमपुर खीरी में एक अनोखी पहल हुई है। वहां महिलाओं को केले के बेकार तनों से फाइबर बनाने की ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया गया। वेस्ट में से बेस्ट करने का मार्ग, केले के तने को काटकर मशीन की मदद से बनाना फाइबर तैयार किया जाता है जो जूट या सन की तरह होता है। इस फाइबर से हैंडबैग, चटाई, दरी, कितनी ही चीजें बनाई जाती हैं। जेल में बंद कैदी गायों को ठंड से बचाने के लिए पुराने और फटे कंबलों से कवर बना रहे हैं। इन कंबलों को कौशाम्बी समेत दूसरे जिलों की जेलों से एकत्र किया जाता है और फिर उन्हें सिलकर गौशाला भेज दिया जाता है। यूपी के गाजियाबाद के रामवीर तंवर जी को लोग पॉन्डमैन के नाम से जानते हैं। रामवीर जी तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में स्वच्छता की ऐसी अलग जगी कि वो नौकरी छोड़कर तालाबों की सफाई में जुड़ गए। रामवीर जी अब तक कितने ही तालाबों की सफाई करके उन्हें पुनर्जीवित कर चुके हैं। मेरठ के कबाड़ से जुगाड़ अभियान के बारे में भी बताना चाहता हूँ। यह अभियान पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ शहर के सौंदर्यीकरण से भी जुड़ा है। इस मुहिम की खास बात यह भी है कि इसमें लोहे का स्क्रैप, प्लास्टिक वेस्ट, पुराने टायर और ड्रम जैसी बेकार हो चुकी चीजों का प्रयोग किया जाता है।